नमस्कार फ्रेंड्स, कोफ्ता ऐसा चीज़ है कि आप कभी भी कोई भी त्यौहार हो या इस तरह से कभी भी घर पे आपको कुछ अच्छा सा खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सन की कोढ़ी यानी सनई का फूल। इसमें डाल देंगे बेसन, तो मैंने 250 ग्राम सनई का फूल लिया है और इसमें 200 ग्राम हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच अभी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है, जैसे कि ये पकौड़ी के लिए होता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 1-2 चम्मच पानी ही काफ़ी है इसमें। ये देखिए मिश्रण बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो छोटा बड़ा बॉल्स अपने मनपसंद बना सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये देखिए पकौड़ा का तैयार हो गया है। यहाँ पे कच्चा हमने मसाला लिया है, तो ये कच्चे मसाले से बनाने वाली हूँ। तो इसमें है सरसों के दाने, काली वाली सरसों हमने लिया है, लहसुन और हरी मिर्च और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है क्योंकि लाल मिर्च पहले ही हमने इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च और लाल मिर्च, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। अब गैस पे हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम पकौड़ा को फ्राई कर लेंगे। तो एक एक पकौड़ा डालेंगे और इसको दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो धीमी आंच पर ही तलें ताकि ये अच्छे से अंदर तक सीख जाए। तो एक तरफ से अच्छा सा कलर चेंज हो गया है, तो दूसरी तरफ इसको पलट देते हैं और इस तरह भी हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो आपने कोफ्ता तो बहुत तरह के खाए होंगे फ्रेंड, पर ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और ये मार्केट में जो सनई का फूल है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए पकौड़ा हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए इसकी कढ़ी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल हमने निकाल दिया है और इसमें डाल देंगे जीरा, हींग और इसके साथ इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में हमने काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे हल्का सा। तो हींग भी डाल देंगे, मैंने केवल जीरा डाला था, और हींग भी डाल करके इसको थोड़ा सा भून लेना है। और इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। तो एक हमने टमाटर लिया है, आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, मैंने काट करके डाला है, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और टमाटर को पकने में काफ़ी मदद करेगा ये नमक। तो मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया उसको डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए। मसाला अगर अच्छा भुना रहेगा फ्रेंड तो कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जो कच्चा मसाला हमने यूज किया है फ्रेंड, उससे ये कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मसाला को हमने ढक करके पका लिया है, ये काफ़ी अच्छे से देखिए भून गया है। 1-2 मिनट और चला करके इसको भून लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी देखिए आप ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना गाढ़ा आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल दें। और इसको ढक करके हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हमने जो कोफ्ते तल के डाले हैं रखे हैं उसको डाल देना है। तो कोफ्ता को डाल देती हूँ। आप इस तरह से भी पकौड़ी खा सकते हैं फ्रेंड, मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाला हुआ है, इसकी पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और सीजन का चीज़ है तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ये देखिए कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। 3-4 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो इसको अब निकाल लेते हैं, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी टेस्टी बना है और जो सरसों का मसाला का टेस्ट होता है फ्रेंड काफ़ी अच्छा लगता है। इस पे थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं हरा धनिया का। तो आज की हमारी ये कोफ्ता करी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।